हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी रिपेयरिंग सेंटर रोहित में। आज हम नई मशीन में फील्ड डालेंगे क्योंकि हमने इसकी फील्ड किसी और मशीन में डाल दी थी। आज हम आपको बताएंगे कि ये नई फील्ड नई मशीन में कैसे डालते हैं और इसको सीरीज से चेक करके बताएंगे। ये पार्ट्स है, एक इसमें थिम्बल बनता है और एक डायरेक्ट होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट या बटन दोनों में से कोई सी में भी लगा लीजिए। और इसमें एक इस वाले पार्ट्स में एक थिम्बल बनता है और एक बटन में जाएगा या डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। ये इसका एक हो गया और ये इस वाले उसका हो गया। तो इसको सीरीज से चेक कर, ठीक है, इसको चेक करते हैं। इससे ये इससे नहीं बोल रही, ये इसका तार ये है, ये वाला, ये इससे बोलेगी और ये इससे बोलेगी। और इससे ऐसे चेक कर लेते हैं, इस ऐसा करंट आ रहा है इसको, इसमें पावर जल गई, सीरीज की लाइट जल गई, तो सोच लेना ये खराब है फील्ड, ठीक है। ये सही है एकदम क्योंकि ये नई फील्ड है। अब दोस्तों इसके कार्बन का ढक्कन खोलेंगे हम, इसमें से कार्बन निकालेंगे। ये इसके बॉडी के नट इनको खोल लेते हैं। ये इसके ऊपर के नट खोल लेते हैं जिससे अंदर थिम्बल फंसाने में आसानी होगी। अब ये इसके कनेक्शन के जोड़ना है इसलिए इसको इस सारे सामान को खोलेंगे इसके को। फील्ड डालने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसका जो छेद है फील्ड का, इसको सीधे बॉडी में यूं लगाओ और यूं करके ठोक दो, बात खत्म। पर ये फील्ड डाल चुके हैं, ये इस तरीके से डलती है फील्ड, ठीक है। अब इसके ये नट्स हैं फील्ड के, इसके डिब्बे में ये इसके नट हैं फील्ड कसने के, तो उससे 10 mm होंगे, ठीक है। इसके थिम्बल फंसा रहे हम, इस मशीन में तो पीछे से जगह दी होती है थिम्बल लगाने की, CM5 CM6 ऐसी मशीनें होती है जिनमें जगह ही नहीं होती लगाने की, उनमें थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है। थिम्बल लगा रहे हैं, वो थिम्बल के तार जो है वो फुल आर्मेचर में नहीं टकराए, इस तरीके से क्लियर रास्ता होना चाहिए एकदम। अब इसके कनेक्शन करेंगे, एक हम जोड़ेंगे सीधे डायरेक्ट में, ठीक है, और ये वाला है ये हम जोड़ देंगे बटन में। थोड़ा सा इसको और छील लेते हैं, बटन में से इस नट को खोल लेते हैं।
जिसमें हमने एक डायरेक्ट वाला तार जोड़ा है उसमें हम टेप मार लेंगे कि करंट की कोई गुंजाइश नहीं बचे। इतनी जल्दी वैसे करंट आता नहीं है क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी होती है, पानी के संपर्क में ज्यादा आ जाएगी मशीन तभी करंट आएगा। ये हमने लगा लिए, अब इसके तार हैं। इसको यहाँ से थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। तार को पकड़ के रखते हैं क्योंकि तार हम मशीन बहुत सी बार खिंच जाती है मशीन, तो उसकी तार में खिंचे से इस चीज को लगाया जाता है। तो इसके तीन लट है, कस चुकी है। हमने इसमें थिम्बल भी लगा दिए हैं, दो थिम्बल यहाँ दिख रहे हैं। अब इसको हम लग के देखेंगे, ये लग गए इसके नट हैं। मशीन से नट काट देता है, अब इसमें हम कार्बन लगाएंगे। दूसरी तरफ का कार्बन है, कार्बन लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि कार्बन ऐसे करके घुस रहा है तो ये इसकी कैप है, ये उन छेद होते हैं उसके उसमें आनी चाहिए सेंटर पे। ये बाहर रह जाएगी तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी ढक्कन कसने पे। ये हमने इसका कार्बन कस दिए, अब इसको हम चेक करेंगे। तो डायरेक्ट चला के देखेंगे कि इसमें करंट करंट तो नहीं आ रहा या बिजली शॉर्ट शॉर्ट तो कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। ये चल रही है, कैसी चल रही है? लाइट भी नहीं जल रही है, देखिए चुकी है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जिससे हमें पता रहे कि हाँ आप लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर